आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास एंड मैथ्स चैप्टर 13 है ये, प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.1। एक बॉक्स है जिसमें 100 रेड कार्ड्स हैं, 200 येलो कार्ड्स हैं और 50 ब्लू कार्ड है। यदि एक कार्ड को निकाला गया रैंडम में तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक ब्लू कार्ड आएगा। तो इसमें हम करते क्या है, पहले तो टोटल लिख लेते हैं, वो हमारा टोटल आउटकम है। कितने आ सकते हैं, 100 और 200 को ऐड करें और 50 को ऐड करें तो ये 350 होते हैं। अगर आप ब्लू की बात करते हैं तो ब्लू कितने आ सकते हैं, 5 ही तो 50 ही तो आ सकते हैं, तो 50/350 ये आपका ब्लू का आएगा। 50/350 होता है 1/7, 1/7 जाएगा। अगले पे आते हैं नॉट ए येलो कार्ड। नॉट ए येलो कार्ड में सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप येलो कार्ड का निकालिए और 1 से माइनस कर दीजिए इसको। तो येलो कार्ड कितने आ सकते हैं कुल मिला के, तो हमारे जितने पॉसिबल इवेंट्स हैं वो 350 हैं और येलो के लिए 20, तो 20/350 आपका क्या हो गया, 200/350, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/7। ये होगा येलो आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमको चाहिए येलो कार्ड ना आने की, तो 1 में से 4/7 को घटा दीजिए, ये आपका आएगा 3/7। ये प्रोबेबिलिटी हुई कि येलो कार्ड नहीं आ रहा है। अब आपको बताना है कि येलो और ब्लू कार्ड दोनों ही नहीं आ रहे हैं, तो पहले येलो और ब्लू कार्ड आने की संभावना पता करते हैं और फिर उसके बाद 1 से उसको घटा देंगे। तो येलो का कितना नंबर है, 200, ब्लू का कितना है, 50, और कुल मिला के ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। कुल मिला के जो पॉसिबल केसेस है 350, तो ये हो गया 250/250 आपने क्या किया, 200 को जोड़ा, 50 को जोड़ा और 300/350 कर दिया। ये आपका जो आएगा, जो भी नंबर आएगा, ये नंबर आपको 1 से घटाना है तभी ना इधर आएगा। हमने येलो लिया, हमने ब्लू लिया, तो कितना आ गया, 5/5 = 25, 5/7 = 35, 5/7 आ गया। इसको 1 से घटा दीजिए, 5/7, तो कितना आएगा, 7 - 5/7 यानी कि 2/7। द फेसेस ऑफ रेड क्यूब एंड येलो क्यूब आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। एक लाल कलर का क्यूब है और 1 से 6 नंबर है उसमें, और एक येलो कलर का क्यूब है, 1 से 6 नंबर है उसमें। इन दोनों क्यूब्स को रोल किया गया, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो टॉप फेस है हर जो दोनों क्यूब का, उनका सेम नंबर हो। तो इसमें ये है कि चलो येलो है चाहे आपका कोई भी क्यूब हो, अगर दो क्यूब है तो पहले क्यूब में अगर 1 आएगा तो दूसरे में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। पहले में 1 आए तो दूसरे में 2 आ सकता है, पहले में 1 आया तो दूसरे में 3 आ सकता है, पहले में 1 आए तो दूसरे में 4 आ सकता है, पहले में 1 आया तो 5 आ सकता है दूसरे में, पहले में 1 आ सकता है तो दूसरे में 6 आ सकता है। ऐसी आप 2 से शुरू करेंगे, पहले में 2 आया तो अगले में 1 आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देंगे आप 2 के साथ, 2 2 2 2 2, फिर 1 2 3 3 4 5 6 ऐसी आप जाएंगे 6 तक, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो सारी जो सैंपल स्पेस मैंने बनाने की कोशिश की वो ये ऐसी बनेगी, ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे बनाए। पहले में अगर 1 आ रहा है तो दूसरे में 2 आ सकता है, पहले में 2 आ रहा है तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 के कॉम्बिनेशन बना लीजिए 2 के साथ, फिर 3 के साथ सारा कॉम्बिनेशन। तो ये पूरा अगर मैं इनको गिनूं यहां से लेकर इनको काउंट करूं तो ये होते हैं 36 36। ऐसे भी आ सकते हैं कि 6 1 में है 6 1 में है, 6 6 36 मतलब 6 6 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 36। अब इसमें देखिए वो नंबर जिनमें सेम नंबर आ रहे हैं कौन कौन से हैं, 2 2, ये डायगोनल में आइए देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है डायगोनल देखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने नंबर है, 6, इनको संख्या अगर गिने तो 6 6/6 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गया, 36 हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गया, तो 6 1/6 1/6 इसका उत्तर हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली ग्रीन व्हाइट एंड येलो मार्बल इज 1/4। प्रोबेबिलिटी आपको बताई गई है हरे मार्बल को निकालने की, एक जार है जिसमें ग्रीन है, व्हाइट है और येलो, तो इनको निकालने की संभावना, ग्रीन इसमें से ग्रीन को निकालने की संभावना, इसकी संभावना आपको दी हुई है 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ व्हाइट मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार, व्हाइट निकालने की संभावना आपको दी है 1/3। इफ द जार कंटेन्स 10 येलो मार्बल, इस जार में 10 येलो मार्बल है,
तो आपको बताना है कि कितने, मतलब 10 येलो मार्बल्स हैं, ये 10 10 येलो मार्बल्स हैं, तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार, इस पूरे को जोड़ेंगे जोड़ेंगे मार्बल को, तो कितने आने चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको समझिए। इसमें हम थोड़ा सा एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमको केवल येलो मार्बल पता है, ग्रीन हमको नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, व्हाइट हमको नहीं पता, वाई मान लेते हैं, और येलो मार्बल 10। तो टोटल हमारे मार्बल हो गए 10, 10 टोटल मार्बल, 10 में आपको जोड़ना पड़ेगा व्हाइट, मतलब वाई प्लस एक्स, तो टोटल मार्बल हो गया 10 प्लस वाई प्लस एक्स, यानी कि टोटल आपके फेवरेबल आउटकम हो गए 10 प्लस वाई प्लस एक्स, ये फेवरेबल आउटकम हो गए। तो अगर आप कहें कि प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल की उन्होंने 1/4 दी हुई है, तो ये 1/4 करिए, और यहां पर ग्रीन मार्बल आपने क्या कितना माना, एक्स, तो एक्स बटे 10 प्लस वाई प्लस एक्स, ये होगा 1/4। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, पहले तो आप लिख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस 10, ये तो पूरे टोटल है। अब आते हैं इस पे वाइट पे, वाइट को आपने क्या माना है, वाई, तो वाई बटे एक्स प्लस वाई प्लस 10, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3। तो पहले इससे इक्वेशन आपकी बनेगी ये वाली, इससे आपकी इक्वेशन बनेगी ये वाली, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप ये दूसरी इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपका इससे वाई आ जाएगा। अब वाई को इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में किसी में रख दीजिए तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स और वाई, एक्स 8, एक्स आपका 6 और वाई, यानी कि ये 6 हो गया, 6 आपके ग्रीन मार्बल हो गए और 8 आपके वाई यानी कि व्हाइट मार्बल हो गए। तो कुल मिलाकर कितनी संख्या होगी, 10 प्लस 8 प्लस 6 यानी कि 24 मार्बल है, ये आपको निकालना था। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, 20 बल्ब है इसमें 4 डिफेक्टिव है, तो 4 डिफेक्टिव है तो सही कितने, 16, 16 अच्छे 4 खराब है। एक बल्ब को इसमें रैंडमली निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, तो इसका बहुत सीधा उत्तर है कि हमारे पास 20 बल्ब है, खराब आने की संभावना इसमें बताई गई है 4, तो 4/20 यही इसका उत्तर हो गया, 4/20 इसका उत्तर होगा, 1/5 इसका हमारा प्रॉबिलिटी हुई खराब निकलने की। अब सपोज द बल्ब ड्रॉन इन ए इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, यानी कि आपने जो यहां पर बल्ब निकाल लिया वो तो निकाल लिया और वो डिफेक्टिव नहीं है, तो अब 20 में से एक निकाल लिया तो बचे कितने, 19, वो डिफेक्टिव ही नहीं है, ध्यान रखिएगा वो डिफेक्टिव ही नहीं है अभी भी, मतलब 4 डिफेक्टिव इसके अंदर है। नाउ बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब आपने यहां पर, मैंने जैसे बताया था 16 बल्ब आपके जो है, 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके बताया था, 16 बल्ब जो है वो आपके सही है, सही है, लेकिन इनमें से आपने एक निकाल लिया तो बचे कितने, 15 आपके पास बचे, यानी 15 अभी इस लॉट में नॉन डिफेक्टिव है, और क्योंकि आपने 20 में से एक निकाल लिया तो 19 टोटल आउटकम हो गए, 15 आपके फेवरेबल आउटकम हो गए, तो 15/19 इस तरीके से आएगा कि प्रोबेबिलिटी कि बल्ब डिफेक्टिव ना हो, जब एक बल्ब निकाल लिया गया और वो डिफेक्टिव नहीं और रिप्लेस भी नहीं किया गया उसको। एक बॉक्स में 90 डिस्क है जिसको 1 से 90 तक नंबर किया गया है, यदि एक डिस्क को निकाला गया रैंडमली इस बॉक्स से, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इसमें 2-डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या नंबर डिविजिबल बाय 5 हो। तो ये थोड़े नंबर ज्यादा है, इसमें 1 से लेकर 90 तक आपको जाना है। तो अब 2-डिजिट नंबर हो, 2-डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, देखिए आप 2-डिजिट नंबर मतलब ये होता है कि अच्छा 1 से 90 में पहली चीज तो ये हो गई कि आपका डिनोमिनेटर में 90 आएगा, ये तो आप समझ गए। पहली चीज ये है कि दो डिजिट नंबर, 11 से 2-डिजिट नंबर शुरू होता है, 11 से लेकर 90 सारे 2-डिजिट नंबर है, यानी 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10 अगर आप गिने तो 9 नंबर होते हैं, अगर आप उंगली पे गिनेंगे 1 से 10 तो आपको 9 मिलेंगे, तो 9 नंबर ऐसे हो गए जो 2-डिजिट नंबर नहीं है। तो 90 में से आप पहले 9 माइनस कर दीजिए, 2-डिजिट नंबर नहीं है तो 81 आपके 2-डिजिट नंबर है, तो 2-डिजिट नंबर के लिए 81 हमारे फेवरेबल केस है, 90 आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस है, तो 81/90 यानी कि 9/10 आपका उत्तर आएगा पहला वाला कि 2-डिजिट नंबर हो। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं 1 और 90 के बीच में, जैसे 1 हो गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, बस यहीं तक रुक जाएगी। तो ये इनको गिनेंगे तो आपके 9 आएंगे,
तो 9 आपके फेवरेबल केस हो गए, आपके 90 तो खैर है ही टोटल आउटकम, 9/90 यानी कि 1/10 इसका उत्तर आएगा दूसरे वाले का। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, तो आपको 1 से लेकर 90 तक 5 का पहाड़ा पढ़ लेना है। 5 वन 5, 5 टू 10, 5 थ्री 15, ऐसे करके आप 50 तक तो पहुंच जाएंगे, उसके आगे भी बढ़ना है 90 तक, तो 50, 51, 52, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 तक जाना है। अब इनको गिन लेना कितने आए हैं, ये कुल मिला के 18 है, तो 18 फेवरेबल केसेस हो गए, 90 तो खैर आपके टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 90 हो गए, ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए, तो 18/90 यानी कि 1/5 आपका ये उत्तर आएगा, ये 5 से जाएगा। ये 2 डाई, 1 ब्लू 1 ग्रे, इसको थ्रो किया गया, आपको टेबल कंप्लीट करना है। सम ऑन डाइज इज डाई इज 2, सम ऑन डाई इज 3, इस तरीके से। अब ये जो टेबल है इससे स्टूडेंट कुछ बोलता है, आर्ग्यूमेंट करता है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 से लेकर 12 तक, इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी हर एक की 1/11 है। क्या इस आर्ग्यूमेंट से आप एग्रीमेंट करते हैं, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी बात करेंगे। जब हम 2 डाई फेंकते हैं तो पहले वाले में 1 आएगा तो अगले वाले में 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, तो 1 से 6 का कॉम्बिनेशन बना दीजिए इसका, फिर 2 के साथ 1 से 6 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इस तरह से आप 6 के साथ 1 से 6 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो 6 × 6, पहले में 6 आ सकता है, दूसरे में 6 आ सकता है, तो पहले की पॉसिबिलिटी 6, दूसरी पॉसिबिलिटी 6, 6 × 6 यानी कि 36 टोटल पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 36 हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। कहने का मतलब ये टोटल जितना भी सैंपल स्पेस बन रहा है 36 आइटम का। अब आपको बताना है कि सम दो हो, सम दो किस किस का सम दो है, केवल एक ही नंबर दिख रहा है जिसका सम दो है, 1 और 1, 1 और 1 का ही तो सम दो है और किसी का नहीं है, तो 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब आपको 3 निकालना है, तो 3 कौन सा हो सकता है, 1 2 या 2 1, यही तो है, यही दोनों नंबर है, तो आपके ये आएगी 2 नंबर है, 2/36, तो 2/36 हो गया। ऐसे सबका निकालेंगे आप एक एक करके, 4 का बताता हूँ, 4 कौन कौन सा हो सकता है, 1/3। अब इसको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ आपको, आप देखिए कि ये इस तरीके से लाइन बनाते रहिए, देखिए 1 3 को जोड़ेंगे तो 4, 2 2 को जोड़ेंगे तो 4, और 3 1 को जोड़ेंगे तो 4, तो 3 हो गया, 3/36। अब आइए 5 पे, 1 4 2 3 3 2 4 1, कितने हो गए ये सारे मिला के आपके, कितने होते हैं ये भी तो 5 होते हैं, यही 5 होते हैं, 1 4, तो ये भी 4/36। फिर आप आइए 6 पे, तो ये सारे 6 बन रहे हैं, 5 1 जोड़िए 4 2 जोड़िए 3 3 जोड़िए 4 2 जोड़िए, ये सारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6/36। 7 देखिएगा, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 5 ही था, 6/36। अब 8 पे आइए, 8 पे आप क्या करना है, 6 2 3 5 4 4 5 3 6 2, अब ये कम होने लगे, तो अब बस यहाँ से आप सीख गए, ये होगा 5/36, ये होगा 4/36, क्योंकि ये देखिए लाइनें आप यहाँ से डायरेक्ट गिन सकते हैं, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36, तो ये सब आ गया एक साथ, तो ये प्रोबेबिलिटी आपने सारी निकाली। ये सब इस लिखना इस तरीके से आपको, जैसे एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में जब आएगा तो ऐसे लिखना है, असाइनमेंट में भी ऐसे करना है, मैंने आपको सारा बता दिया, इस तरीके से ये टेबल बन जाएगा। अब ये बन गया आपका, अब अगला सवाल ये पूछते हैं कि इस टेबल में एक स्टूडेंट बोलता है कि देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 से लेकर 11 12, तो मतलब 11 आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पॉसिबल आउटकम्स है, इसका मतलब हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, क्या ये सही है। अब इसको देखते हैं, सबकी देखिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ रही है। इन जो स्टूडेंट का आर्ग्यूमेंट है वो ये, उसका ये कहना है कि हर एक आइटम की, हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इनमें 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं और हर एक, ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11, तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी इसकी 1/36 आ रही है, इसकी 2/36 आ रही है, इसकी 3/36 आ रही है, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, क्योंकि इस आप ये नहीं कह सकते कि ये 11 नंबर है और हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, बस आप एक 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 नंबर की प्रोबेबिलिटी, दो दो के आने की प्रोबेबिलिटी 1/11,
तीन की प्रोबेबिलिटी 3/11 ऐसे नहीं कह सकते, तो आप इसको डिसएग्री करते हैं, 1/11 2 के आने की 3 के आने की इसको आप नहीं कह सकते क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है सबकी, इसकी 3/36 है, इसकी 4/36 है, सबकी अलग अलग है। एक बैग है जिसमें 6 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स, तो 6 रेड हो गए और कुछ ब्लू है, मैं पता नहीं कितनी ब्लू है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस दैट ऑफ द रेड बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी जो ब्लू बॉल की है, ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, मतलब रेड बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी आपकी मान लीजिए एक्स है तो ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी है 2x। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की एक्स है तो ब्लू बॉल की 2x हो जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, आप देखें इसको कैसे करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपके ये ब्लू बॉल्स हमने क्या लिया, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि 6 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल्स है, हम ब्लू बॉल को मान, अच्छा ये दोनों तरीके से हो सकता है, ये एक तरीका आपके सामने, दूसरा तरीका मैं आपको थोड़ा सा अलग करके बताता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि 6 रेड बॉल है और ब्लू बॉल हमें, हमने कहा कि भाई 2x है, 2x है, लेकिन अगर हम कहें कि 6 रेड बॉल है, ये प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखिएगा ये तो कुल मिला के बॉल है, तो हम क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं कि चलिए इसको कुछ अभी z मान लीजिए या b मान लीजिए, तो कुल मिला के बॉल कितनी हो गई, 6 + b, ब्लू बॉल की संख्या हमने b मानी, तो 6 + b हमारी कुल मिला के बॉल हो गई। अब आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी मैं इसको निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी आप रेड कितने हैं 6, तो 6/6 + b ये हो गई, कुल मिला के 6 + b है और रेड 6 है। इसी तरीके से आप जब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो कितनी होगी, ब्लू बॉल कितनी ब्लू बॉल है, बी माने हमने और 6 + b तो है ही, लेकिन इसमें एक चीज है कि इसको बताया गया है कि भाई ये जो संख्या है ये इसकी ट्वाइस है, आप समझ रहे हैं, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आने की इससे ट्वाइस है, तभी मैंने आपको बताया कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी अगर एक्स है तो ब्लू की आपकी 2x है, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आया, अब मैं ब्लू को x कर देता हूँ बस, केवल इसलिए क्योंकि इससे हम बराबरी कर लें, तो x आपका कितना हो गया, x/6 + x ये हो गया इक्वल टू 2 × 6/6 + x, इसको सॉल्व करेंगे x आपका 12 आएगा, यानी कि ब्लू बॉल्स 12 है, अगर b भी रखते तो 12 ही आता। किंग क्वीन और जैक क्लब्स के, इसको रिमूव किया गया, डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स है, इससे किंग क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स, मतलब एक स्वीट जैसे आप जानते हैं 13 13 13 13, अब इसमें क्लब्स होते हैं, हार्ट है, एस होता है, ऐसे 4 आपके अलग अलग स्वीट होते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो किंग क्वीन और जैक है वो क्लब्स के निकाल दिए गए, तो ये अगर मान लीजिए मैं क्लब्स मानता हूँ तो इसके किंग क्वीन और जैक को निकाल दिया गया इस 52 कार्ड से और रिमेनिंग कार्ड को शफल किया गया, यानी कि 52 में से 3 तो आपने पहले ही कम कर दिए, तो आपके पास बचे कितने 49। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट, हार्ट के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए हार्ट तो पूरे के पूरे हैं, वो तो कम नहीं हुए, वो तो 13 13 है, मतलब क्लब अगर 13 है तो हार्ट तो पूरे 13 है, जिसमें क्लब से कम किया गया, हार्ट तो पूरे 13 है, तो 13/49 क्योंकि 3 आपने वैसे ही कम कर दी। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब एक क्वीन तो आपने यहाँ से निकाली दी, एक क्वीन यहाँ से निकाल दी, कुल मिला के तो 49 आपकी पॉसिबिलिटी है, एक क्वीन आपने यहाँ से निकाल दी इस जगह से, तो बची कितनी, एक क्वीन इसके पास, एक क्वीन इसके पास, एक क्वीन इसके पास, यानी कि 3 ही क्वीन बची, तो 3/49 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब क्लब्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लब्स की 49 तो कुल मिला के कार्ड आ सकते हैं, अब क्लब्स में से आपने 3 कम कर दिए तो बचे 10, 10/49। तो इसको मैं फिर से बता देता हूँ कि गेटिंग अ क्लब का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने क्लब से जो 13 एक स्वीट है उसमें से 3 तो हटाई दिए ना, तो क्लब में बचे 10, लेकिन बाकी तो आपने जब जोड़ के रखा था तो 49 आपको मिले ही थे, तो 10 पॉसिबिलिटी है क्लब की, मतलब 10 तो 10/49, अगर आपको क्लब चाहिए तो 10/49 प्रोबेबिलिटी होगी।
दो डाई हैं, इनको एक साथ फेंका गया, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फाइव विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम, पांच दोनों में नहीं आए, और फाइव विल कम ऑन एटलीस्ट वन, फाइव विल कम ऑन एट बोथ डाइस। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको इसके इसका सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है, मतलब पहले में एक आएगा तो दूसरे में एक से छः तक आ सकता है, पहले में इस तरीके से पहले में छः आया तो दूसरे में एक से छः तक आ सकता है, तो सैंपल स्पेस यहाँ बना के रखा हुआ है, ये सारा आपको बनाना है, हर बार बनाना पड़ेगा। अब इसमें ये जो बनाने से फ़ायदा क्या होता है, फायदा ये है कि पहले तो हमें ये समझ लीजिए कि 36 आउटकम टोटल है, 6 × 6, मतलब 6 एक में आ सकते हैं डाई में, दूसरे में 6 आ सकते हैं। अब इन्होंने कहा 5 विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम, तो 5 ना आए किसी में भी, तो 5 किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, वो ढूंढ लीजिए जिसमें 5 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। और उसके बाद एक तो ये रो आप ये वाला कॉलम ले लीजिए और ये रो ले लीजिए, अब देखें ये अगर आप कॉलम ये वाला रो लें और ये कॉलम है, इसी में तो 5 आ रहे हैं आपके, बाकी तो और कहीं 5 नहीं है, तो इसमें 6 नंबर है, इसमें 6 नंबर है, एक रिपीटेड है, तो ये आपके 6 हो गए, एक इधर से मैंने आपको बताया 6 और इधर से बताया आपको 6, तो 6 और 6 12 12, 36 से 12 माइनस करिए कितना आता है 24, लेकिन अभी मैंने आपको बताया 6 और 6 इसमें से 5 5 दोबारा आ रहा है, तो आपको इसमें से जोड़ना पड़ेगा, इसमें से एक घटाना पड़ेगा, राइट। फिर से मैं समझाता हूं, यहां पर इस कॉलम में 6 ऐसे नंबर हैं पूरे जो इसमें 5 आ रहा है, इस रो में मतलब इस पूरे कॉलम में 5 5 दिख रहा है, इस पूरे कॉलम में 5 5 दिख रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है, लेकिन इसमें एक रिपीटेड है, तो 12 में से एक हटा दीजिए 11, तो 36 इस पूरे ऑप्शन में पूरे सैंपल स्पेस में आपको कितने घटाने पड़ेंगे, 11 घटाने पड़ेंगे, तो आया 25, तो 25 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, जिसमें 5 नहीं आ रहा है, 36 हमारे टोटल केसेस हो गए जितने भी आ सकते हैं। अगला जो होता है 5 विल कम ऑन एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो बस अब कम से कम एक 5 आना चाहिए, तो ये आप देखिए ये इस रो और इस कॉलम में 5 आ रहे हैं, तो अब आपको समझ गया 11 आउटकम्स ऐसे हैं हमारे जिसमें 5 आ ही रहा है, तो 11 आपका फेवरेबल हो गया, 36 आपके टोटल आउटकम हो गए। 5 विल कम अप एट बोथ द डाइस, तो वो तो पॉसिबिलिटी एक ही है, 5 5 5 5 एक ही पॉसिबिलिटी है कि 5 दोनों में आ रहा है, तो 1/36। एक नंबर को सिलेक्ट किया गया एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, एक नंबर को सिलेक्ट किया गया पहले 50 नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होते हैं, 1 से 50 तक, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मल्टीपल है वो 3 और 4 आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 ये आएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 50 में पहले तो आप कर लीजिए मल्टीपल 3 और 4 का, मतलब 3 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो 3 और 4 का मल्टीपल कौन कौन से है पहले तो आपको ये देखने पड़ेंगे, 3 और 4 का मल्टीपल कौन कौन से है, देखिए 12 है, 24 है, 36 है और 48 है, आप इसको इस तरीके समझ लीजिए कि ऐसे नंबर चाहिए जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो, तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो, यानी कि 12 से 3 चौके बहुत था 12, 12 से डिवाइड हो, तो 12 से क्या क्या डिवाइड होता है, 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 12 24 36 48, और इसके ऊपर जाएंगे तो 50 से ऊपर निकल जाएगा, इसलिए 12 24 36 48 यही नंबर हैं जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होंगे, इनकी संख्या हो गई 4, 4 कुल संख्या हो गई, और आपके पास 50 नंबर दिए ही हुए हैं, उसको नीचे लिख दीजिए, 4/50 यानी कि 2/25 इसका उत्तर आएगा। तो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।